हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आज के समय दुनिया भर की सरकारें प्रदूषण के समस्या से निजात पाने में लगा हुआ है। भारत भी उन देशों में से एक है। भारत में प्रदूषण से निजात पाने के लिए भारत के ऑटोमोबाइल कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के तरफ खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में टू व्हीलर निर्माता कंपनी TVS भी कहां पीछे रहने वाला था। TVS इंडिया ने घोषणा की है को वो जल्द ही अपनी नई और सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में उतारने पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि कंपनी अपना पहला स्कूटर क्रेयॉन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह स्कूटर एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी जिसमें 12 किलोवाट का ताकत देने वाला मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह स्कूटर 0 सेकंड 60 की रफ्तार केवल 5.1 सेकंड में पूरा कर लेता है। वहीं स्कूटर को चार्ज होने में भी काफी कम समय लगता है। जी हाँ, यह स्कूटर केवल 1 घंटे में लगभग 80% तक चार्ज हो जाता है। जानकारी के अनुसार इस स्कूटर को बाजार में लगभग 85,000 रुपए एक शोरूम में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में उतरने के बाद इसका सीधा मुकाबला हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर ई-ड्यूक से होगा। TVS स्कूटर को कम वजन का बनाने के लिए इसमें लाइट वेट एल्यूमिनियम चेसिस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस स्कूटर में ब्रेकिंग के लिए इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक के साथ एंटी लॉकिंग